Hello friends, welcome back to my YouTube channel Cooking and Kitchen TV. आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू रेसिपी एग फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है. अगर आपको कुछ जल्दी झटपट खाने का मन करे तो इसको जरूर ट्राई करिए घर पे. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. So let's start egg fried rice. Friends, चलिए start करते हैं egg fried rice बनाने की recipe. इसके लिए सबसे पहले हमें rice को boil करना होगा. देखिए friends, हमें इसमें ज़्यादा water नहीं add करना है, वरना ये rice जो है गीला हो जाएगा. राइस में सॉल्ट ऐड कर देंगे. सॉल्ट ऐड करने से एक तो राइस तुरंत पक जाएगा. घी डाल देंगे 1 स्पून. बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 1 स्पून घी ऐड कर दिया है. अब देखिए राइस कितना अच्छा बनेगा. देखिए फ्रेंड्स, ये राइस बन चुका है 5 मिनट में. सीटी आ चुकी है इसमें, 1 सीटी बहुत है इसमें. फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए अनियन, टमाटर पेस्ट, देखिए थोड़ा सा गरम मसाला. टमाटो आप डालना चाहिए तो डालिए, वरना कोई जरूरी नहीं है. मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो. घी ऐड कर देते हैं. ये नॉन स्टिकी है तो इसमें ज्यादा घी की भी जरूरत नहीं है. नॉन स्टिकी पैन है तो घी की भी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है. तब तक हम एग को ये देखिए एग ब्रेक हो चुका है. ये देखिए हमारा राइस कितना खिला खिला बना है, क्योंकि हमने इसमें देखिए सॉल्ट एंड घी डाल दिया था 1 स्पून, तो इससे राइस खिला खिला बना है. अब दोनों को एक में मिक्स कर लेंगे. राइस को राइस एंड एग दोनों को इसमें हम मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा. जब भी आपका मन करे, आपको ज्यादा खाना बनाने का मन न करे और आपको भूख लगी हो, तो ये तुरंत फटाफट आई थिंक 10 मिनट से पहले बन जाएगा. ये देखिए अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए. ये बनाने में बहुत इजी है, आप लोग जरूर इसको ट्राई करें. आई थिंक बहुत कम लोगों ने इसको बनाया होगा. बच्चे भी इसको बना सकते हैं. देखिए अगर आप में आपने दिन में राइस बनाया है, आपका राइस बच गया है, रात में आपको कुछ न्यू उसका बनाना है, तो आप इसको बना सकते हैं फटाफट 5 मिनट में, 10 मिनट में. देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया. अब हम इसमें डाल देंगे अनियन. सॉल्ट आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने राइस में भी सॉल्ट डाला हुआ है. ये गरम मसाला, ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ जाएगा गरम मसाला डालने से. इसमें ज्यादा स्पाइस, हल्का सा हल्दी आप यूज करना चाहिए करिए, वरना कोई जरूरी नहीं है. अब इसमें हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा, अगर स्पाइसी होगा थोड़ा सा, हम इसमें रेड चिली ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होगा तभी खाने में मजा आएगा. और ये हमारा टमाटो टॉप टमाटो को ऐड कर देंगे.
देखिए फ्रेंड्स, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। अब इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, आपको जितना चाहिए उस अकॉर्डिंग। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत अच्छी स्मेल इसकी आ रही है, बहुत ही स्मेल ही इतनी अच्छी आ रही थी। खाने में भी आई एम श्योर ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, आपकी टमाटो जो है ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, अनियन एंड टमाटो को। अब ये देखिए, इसमें हमने एग मिक्स राइस डाल दिया है। फटाफट इसको मिक्स कर दीजिए। अब आपको फ्लेम लो कर लेना है क्योंकि इसमें एग मिक्स है। बहुत अच्छे से ये लो फ्लेम में ही आपको पकाना है इसको, और मीडियम फ्लेम कर दीजिए, लो से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा घी ऊपर से और ऐड कर दीजिए ताकि ये चिपके ना। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा सोया सॉस में डाल दूं, आप भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये रेडी हो चुका है एग फ्राइड राइस, बहुत टेस्टी दिख रहा है, देखने में ही बहुत डिलीशियस लग रहा है। राइट, रेडी हो चुका है और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये बहुत डिलीशियस बना है, देखने से ही पता चल रहा है। अब इसको हम सर्व के लिए एक बोल में निकाल लेते। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी जरूर इसको घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस, रेसिपीज जो भी मैं बनाऊंगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।